छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ग्राम पंचायत चढ़तगढ़ में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सत्ती ने जनसभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान सत्ती ने मानव कल्याण समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पौधे भी लगाए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है। यहां इस सामुदायिक भवन निर्मित होने से स्थानीय लोग अपने सामाजिक समारोह का आयोजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। ऊना विधानसभा क्षेत्र के गाँव में गलियों, सड़कों, स्कूलों, पंचायत भवनों, नालियों, पुलियों को एक व्यवस्थित ढंग से नया रूप दिया जा रहा है। सतपाल सिंह सती ने कहा कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक गांव का समान रूप से विकास किया जा रहा है। वहीं सती ने लोगों की मांग पर महर्षि वाल्मीकि मंदिर के रास्ते के निर्माण के स्थानीय पंचायत प्रधान को शीघ्र ही व्यय आकलन करने को कहा तथा 5 लाख रुपए की राशि मौके पर ही स्वीकृत की। वहीं सती ने लोगों से पेड़ पौधों का संरक्षण करने की भी अपील की तथा इस सावन के महीने में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान भी किया। सर, आज आपने पौधा रोपण किया, सामुदायिक भवन का उद्घाटन जनता को समर्पित किया, क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत चढ़तगढ़ में मानव कल्याण समिति के सहयोग से वृक्षारोपण का पुण्य काम किया गया है, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया है। मैं मानव कल्याण समिति को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा निवेदन रहेगा कि हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर इस सावन के महीने में लगाए, क्योंकि तो पेड़ों की कमी के कारण जो हमारे बारिशें कम हो रही हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, पर्यावरण में तब्दीली आ रही है, बाढ़ तूफान और बादल फट रहे हैं, वो शायद पर्यावरण गर्म होने के कारण ही फट रहे हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। तो इस मानव कल्याण समिति ने एक अच्छा काम शुरू किया है, जगह जगह पेड़ों का वितरण भी कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और वहीं पर चढ़तगढ़ ग्राम पंचायत के मोहल्ला वाल्मीकि में आज हम लोगों ने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया है। जो सामुदायिक भवन बनकर के तैयार हुआ है, ग्रामवासियों ने और पंचायत ने, इन सब लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से इसका काम किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।